शाहिद कपूर इज वन ऑफ द रेयर टैलेंटेड सुपरस्टार्स ऑफ बॉलीवुड, नो डाउट। ये बात वो पहले भी कई बार साबित कर चुके हैं और एक बार फिर उन्होंने ये बात साबित की है। वेलकम टू GMR माय फ्रेंड्स। आज हम जिस मूवी की बात करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है जर्सी। ये मूवी साउथ की मूवी जर्सी की रीमेक है, जो कि आप सब लोग जानते ही होंगे। उस मूवी में साउथ के सुपरस्टार नानी ने बहुत ही बढ़िया अभिनय किया था और इस मूवी में शाहिद कपूर ने बहुत ही अच्छा काम किया है। शाहिद कपूर इससे पहले अर्जुन रेड्डी, जिसमें विजय देवरकोंडा थे, उसकी रीमेक कबीर सिंह में भी बहुत ही बढ़िया काम कर चुके हैं और इस बार जर्सी में भी अच्छा काम करके उन्होंने एक बार फिर ये साबित किया है कि अगर कोई भी रीमेक बने तो उसमें कोई हर्ज नहीं, बस वो बढ़िया बननी चाहिए। इस मूवी में पंकज कपूर और मृणाल ठाकुर ने तो बहुत अच्छा काम किया ही है, लेकिन जो छोटा बच्चा जिसने किट्टू का रोल किया है उसका काम भी बहुत बढ़िया है। उस बच्चे का नाम रोहित कामरा है। मूवी की स्टोरी कुछ यूं है कि शाहिद कपूर पहले क्रिकेटर होते हैं और फिर एक दिन अचानक वो क्रिकेट खेलना छोड़ देते हैं। उनकी जो गवर्नमेंट जॉब होती है उसमें भी वो किसी स्कैम में फंस जाते हैं और सस्पेंड हो जाते हैं। अब घर का पूरा खर्चा उनकी वाइफ जो कि मृणाल ठाकुर हैं वो ही चलाती हैं। ऐसे में जो सीन्स शाहिद कपूर पे फिल्माए गए हैं जिसमें उन्हें गरीबी से जूझता हुआ दिखाया गया है और सिर्फ 500 रुपये उन्हें चाहिए अपने बेटे को क्रिकेट की जर्सी दिलवाने के लिए, वो अभिनय जो उन्होंने किया है वो बहुत ही शानदार तरीके से निभाया है। इसके बाद की स्टोरी अगर मैं आपको बताऊंगा तो वो आपके लिए थोड़ा सा स्पॉइलर हो जाएगा, लेकिन अगर आपने साउथ की जर्सी देखी है तो फिर आपको सब पता ही होगा। मूवी को डायरेक्ट किया है गौतम तिन्नानूरी ने, जिन्होंने साउथ वाली जर्सी बनाई थी। इस मूवी का स्क्रीन प्ले और मूवी के गाने भी बहुत ही अच्छे हैं। 7.4 की IMDb रेटिंग वाली ये मूवी आप आराम से अपने परिवार के साथ अपने नज़दीकी सिनेमाघर में देख सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।